दोस्तों नमस्कार, आज की इस नए वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि अगर आप योनो SBI ऐप्स यूज करते हैं उसका अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। चाहे आप भूल गए हो, चाहे आपको रिसेट करना हो, चाहे आपको फॉरगेट करना है, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चाहे आप SBI का नेट बैंकिंग यूज क्यों नहीं करते हो, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन SBI.com पे आ जाना है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आने के बाद इस पेज पे आप आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है यूज़र नेम पासवर्ड, तो अभी आपको मालूम नहीं है तो इस पेज को ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ न्यू यूज़र, तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। और कहाँ पे आपको क्लिक करना है, फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉरगेट यूज़र नेम निकालना है। तो चलिए पहले यहाँ पे फॉरगेट यूज़र नेम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप CIF नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा, आप अपने पासबुक में देखेंगे। और यहाँ पे कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं करना है। और यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अगर इंडिया से हैं तो। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर जो खाते में लिंक है वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चे को इस बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन यूजर नेम हैज बीन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, और लॉगिन यूजर नेम यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी शो कर रहा होगा, और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे भी आपको भेज दिया गया है। तो चलिए इस पेज को बैक कर लेते हैं। तो फिर से आप इसी पेज पे आ जाएंगे, और आने के बाद जो है यहाँ पे फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है ताकि अब जो है पासवर्ड निकाल सकें। तो यहाँ पे आपका जो है क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा, और जो यूज़र नेम अभी निकाले हैं वही यूज़र नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपको पासबुक में होगा, जो अकाउंट ओपन करते समय डेट ऑफ बर्थ दिए थे वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं इस कैप्चे को यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सही से डिटेल इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, ठीक है। उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे OTP इंटर कर चुके हैं, उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि यूजिंग ATM कार्ड डिटेल से अगर आप पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं, या यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा, या अगर आप ब्रांच जाके करना चाहते हैं। तो आपको तीन ऑप्शन दिया जाता है, ATM कार्ड के डिटेल से, या प्रोफाइल पासवर्ड के डिटेल से, या ब्रांच जाके। तो सबसे बेहतर सुविधा रहेगा दो ऑप्शन, या तो आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड होनी चाहिए या ATM कार्ड का डिटेल होना चाहिए, यानी कि ATM कार्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से प्रोफाइल पासवर्ड निकाला जाता है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यूजिंग ATM कार्ड डिटेल से ही निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं यूजिंग ATM कार्ड डिटेल पे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये इंटरफेस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ATM कार्ड का जो आपका नंबर है, जो डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके ATM कार्ड
का जो है मंथ एक्सपायरी डेट जो होगा वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद जो ईयर एक्सपायरी डेट होगा वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, जो आपके एटीएम कार्ड पे नाम होगा वही नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जो एटीएम कार्ड का पिन होगा वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका रेफरेंस नंबर निकल के आ जाएगा, पासवर्ड बनाने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको जो भी मनपसंद पासवर्ड है जो आपको याद रह सके वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपको 8 करेक्टर में होना चाहिए और कुछ नोमरिकल भी होना चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट में भी होना चाहिए, कुछ कैपिटल में होना चाहिए, लेटर कुछ स्मॉल में होना चाहिए जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर करेंगे जो आप देना चाहते हैं। पासवर्ड कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रिसेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया यूजर नेम कैसे निकालते हैं और पासवर्ड को कैसे रिसेट करते हैं, कैसे फॉरगेट करते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड निकाल सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से हम आपको बताए हैं कि किस तरह से यूजर नेम निकाला जाता है और किस तरह से पासवर्ड रिसेट किया जाता है या फॉरगेट किया जाता है अगर आप भूल चुके हैं। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी नॉलेज आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी ये चीज़ें और लोगों तक पहुँच जाए। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।